तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 12 अक्टूबर की, साथ ही में दिन है बुधवार का, वही हिंदी तारीख है कृष्ण तृतीया और महीना चल रहा है कार्तिक का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो ये रही पहली बड़ी खबर, 10 साल पुराना हो गया है आधार कार्ड तो इसे करवाना होगा अपडेट। UIDAI ने कहा कि सिंपल है प्रोसेस। जी हाँ, अपने देश में आज के समय में किसी भी व्यक्ति के लिए आधार कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। बैंक में अकाउंट खुलवाने से लेकर एक सिम कार्ड तक लेने में आधार कार्ड का इस्तेमाल हर जगह होता है, साथ ही में लगभग सभी सरकारी सब्सिडी और सेवाओं का फायदा लेने में भी आधार कार्ड दिखाना होता है। जाहिर बात है इसकी वजह से आधार कार्ड बहुत ही जरूरी हो जाता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक लेकिन अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है तो आपको इसे फिर से अपडेट करा लेना चाहिए। UIDAI यानी कि आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने लोगों को हर 10 साल में अपना आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए कहा है। UIDAI का कहना है कि ऐसा करने की वजह से फर्जी आधार कार्ड पे लगाम लगेगी और लोगों का डेटा भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। अभी हाल ही में एक प्रेस रिलीज में UIDAI यानी कि आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने कहा है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 साल पहले आधार कार्ड बनवाया था और तब से लेकर अब तक आधार कार्ड में अगर कोई भी अपडेट नहीं कराया है तो उन्हें अपना आधार कार्ड अपडेट करा लेना चाहिए। आधार कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से ये भी कहा गया है कि आधार अपडेट कराने का ये प्रोसेस पूरी तरह से फ्री है और अपडेट कराने का ये काम आप घर बैठे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट myaadhar.uidai.go.in पे जाना होगा। इस पूरी खबर को अगर और ज्यादा आसान सी भाषा में बताएं तो अगर आपके आधार कार्ड को बने हुए 10 साल या इससे ज्यादा हो चुके हैं और आपने तब से लेकर अब तक इसमें कोई भी अपडेट नहीं कराया है, यानी कि ना तो नाम बदलवाया है ना ही एड्रेस वगैरह बदलवाया है, तो आपको अपना आधार कार्ड अपडेट कर लेना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया ये काम घर बैठे भी हो सकता है और अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप ये काम अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। सिंपली आपको अपने फोन के ब्राउजर में myaadhar.uidai.go.in टाइप करना होगा, वहीं पर आपको बाकी जानकारी दी जाएगी। देखिए अगली खबर, गोली लगने के बाद भी आतंकियों से लड़ता रहा डॉग, लश्कर के दो दहशतगर्दों को मारने में की मदद। आर्मी ने शेयर किया है इसका वीडियो जिसकी एक छोटी सी झलक आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हां, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अभी हाल ही में बीते सोमवार को हुई मुठभेड़ में सेना के दो जवान घायल हो गए, इसके साथ ही एक आर्मी डॉग भी जख्मी हुआ है। इंडियन आर्मी के चिनार कॉर्प्स ने ये जानकारी दी है। घायल हुए सेना के डॉग का नाम जूम है। बताया गया है सेना का ये डॉग गोली लगने के बाद भी आतंकियों से लड़ता रहा, इसके चलते सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। चिनार कॉर्प्स के मुताबिक अभी हाल ही में 10 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जूम नाम का ये डॉग भी इसी का हिस्सा था। इस दौरान सेना के जवान ने जूम को एक घर में भेजा जहां आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। जूम डॉग ने वहां जाकर आतंकियों की पहचान की और उन पे हमला कर दिया। इस दौरान उसे दो गोलियां भी लगी। जख्मी होने के बावजूद वो आतंकियों से लड़ता रहा जिसके चलते जवानों ने आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। देखें अगली खबर, यूपी बिहार में अगले दो दिनों तक हो सकती है मूसलाधार बारिश, यानी कि भारी से भी ज्यादा भारी बारिश। दिल्ली में भी बरसेंगे बादल। जी हां, अभी हाल ही में बीते रविवार को दिल्ली में मूसलाधार बारिश हुई। अभी हाल ही में बीते सोमवार को भी बारिश का सिलसिला जारी रहा, साथ ही मंगलवार को भी थोड़ी बूंदाबांदी हुई। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। वहीं मौसम एजेंसी ने अपने पूर्वानुमान में अगले 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु में और अगले 2 दिनों के दौरान कर्नाटक और तेलंगाना में भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है, यानी कि इन जगहों पे अभी भी बारिश हो रही है। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक आज 12 अक्टूबर को उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 14 अक्टूबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। अब दोस्तों ये तो बारिश का अपडेट था देश के कुछ राज्यों को लेकर, लेकिन आज 12 अक्टूबर को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए आपको लगे हाथों बताते हैं अगली खबर में। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान, देखें अपनी स्क्रीन पर। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 12 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश में मध्यम बारिश के साथ भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा भी सिक्किम में, असम में, मेघालय में, नागालैंड में, साथ ही में मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, बिहार में, झारखंड में, साथ ही में महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटका में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, वहीं लक्षद्वीप के लिए भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा भी लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में और गुजरात में भी कहीं कहीं पर हल्की यानी कि छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है, यानी कि हल्की से भी हल्की। देखें अगली खबर, चाहे जितनी पसंद हो बारिश में मत खाना ये चार सब्जी, शरीर के एक एक हिस्से में घुस जाएंगे घातक बैक्टीरिया यानी कि कीटाणु। जी हां, देश की राजधानी समेत भारत के कई हिस्सों में
पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, इसकी पूरी जानकारी अभी हमने आपको दी। जाहिर बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि बारिश का मौसम खुशनुमा होता है और इन दिनों में कुछ भी खाने पीने में खूब आनंद आता है, लेकिन ये मौसम अपने साथ कई संक्रमण और रोग लेकर भी आता है। हालांकि इसी बारिश के मौसम में इम्यून सिस्टम कमजोर होने का भी जोखिम रहता है, और जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है तो आपको कई तरह की बीमारियां घेरने लगती हैं। यही वजह है कि इस दौरान खाने पीने का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। नव भारत टाइम्स की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है और बताया गया है कि माना जाता है कि बारिश के मौसम में सभी फल सब्जियों का सेवन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इन दिनों खास करके कुछ सब्जियों से पूरी तरह से बचना चाहिए, यानी कि बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। फैट टू स्लिम की डायरेक्टर अग्रवाल शर्मा के अनुसार बारिश का मौसम विभिन्न रोगाणुओं और जीवाणुओं के प्रजनन का समय होता है, जो हरी सब्जियों को आसानी से दूषित कर सकते हैं। पौधे जितने ज्यादा पत्तेदार होंगे उनमें संक्रमण फैलना उतना ही आसान हो जाएगा। बारिश के मौसम में जो सब्जियां नहीं खानी चाहिए उनमें पहले नंबर पर है बैगन। वैसे दोस्तों, इसमें कोई भी शक नहीं है कि बैगन की सब्जी या इसका भरता कमाल का होता है, लेकिन बारिश के मौसम में इस सब्जी के सेवन से बचने में ही समझदारी है। ऐसा माना जाता है कि बारिश के मौसम के दौरान बैगन में कीड़े होने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि बैगन में एल्कलाइड होते हैं जो इसे कीड़ों के हमलों से बचाते हैं, लेकिन फिर भी बारिश के दिनों में इसमें कीड़े हो ही जाते हैं। इसी की वजह से बारिश के दौरान इसके खाने से खुजली, पित्ती, मतली, त्वचा पे चकत्ते, साथ ही में एलर्जी और पेट में संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं दूसरे नंबर पर है हरे पत्ते वाली सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां मानसून के दौरान कई रोगाणुओं और बैक्टीरिया के प्रजनन के लिए सबसे बढ़िया जगह होती है, यानी कि सब्जी के इन हरे हरे पत्तों पर बैक्टीरिया का प्रजनन होता है। इसी की वजह से बारिश के मौसम में पत्तेदार सब्जियों के दूषित होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। आप अपने साग को कितना भी धो लें, फिर भी इसमें गंदगी और कीड़े लगे रह सकते हैं। खास करके सरसों का साग आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वहीं तीसरे नंबर पर है फूलगोभी। आमतौर पर फूलगोभी इस मौसम की सब्जी नहीं है, इसकी पैदावार सर्दियों में ज्यादा होती है। आप जो फूलगोभी अभी खा रहे हैं वो पुरानी है, और यही वजह है कि इसमें कीड़े लगने का जोखिम ज्यादा होता है। इस सब्जी में ग्लूकोसिनोलेट्स नाम का एक रासायनिक काफी ज्यादा होता है, जो बारिश के दौरान सेवन करने पर एलर्जी पैदा कर सकते हैं। वहीं चौथे नंबर पे जो सब्जी है वो है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च और इस परिवार की सब्जियां, यानी कि जो सब्जियां इससे मिलती जुलती हैं, उनका स्वाद वैसे तो बेहतरीन होता है और ये सेहत के लिए किसी खजाने से कम नहीं होता, लेकिन मानसून के मौसम में इनके सेवन से बचना सबसे अच्छा माना जाता है। बताया गया इससे परहेज करने का मुख्य कारण ये है कि शिमला मिर्च के चबाने पर उसमें मौजूद ग्लूकोसिनोलेट्स आइसोथियोनेट्स में बदल जाते हैं। आसान सी भाषा में और आम शब्दों में कहें तो इसके सेवन से दस्त, उल्टी, मतली और सांस लेने में परेशानी जैसी भी समस्या हो सकती है। इसीलिए बेहतर है कि बूंदाबांदी के दौरान इन्हें बिल्कुल भी ना खाएं। अब दोस्तों, अभी हमने आपको जिन भी सब्जियों के नाम बताए हैं, आप इनके बदले में लौकी, खीरा, भिंडी, बीन्स और टमाटर जैसी सब्जियों का आनंद ले सकते हैं। इन सब्जियों में पानी की मात्रा काफी अच्छी होती है और इन्हें आंत की सफाई के लिए और इम्यूनिटी के लिए काफी अच्छा माना जाता है। सब्जियों के बारे में ये भी जानकारी दी गई है कि सब्जियों को कम से कम 30 मिनट तक जरूर पकाएं। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, अभी हमने आपको जिन भी सब्जियों के नाम बताए हैं जिनको बारिश के मौसम में खाने के लिए मना किया गया है, तो क्या आपने कभी बारिश के मौसम में ये नोट करने की कोशिश की है कि इन सब्जियों को खाने की वजह से सच में कोई परेशानी होती है या नहीं? इस पे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? वीडियो को पूरा देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा और ये जो बातें बताई गई है इसका भी खुलासा होगा। देखें अगली खबर। पेट्रोल की टेंशन होगी खत्म। नितिन गडकरी ने लॉन्च किया टोयोटा फ्लेक्स फ्यूल पायलट प्रोजेक्ट। आइए बताएं इसकी अधिक जानकारी और इससे आम जनता को क्या फायदा होगा। जी हां, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जापानी कार निर्माता टोयोटा की फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल पायलट योजना को शुरू कर दिया है। आपको बता दें, अपने आप में इस तरह की पहली योजना है। आपको बता दें, इसके तहत एक गाड़ी लॉन्च की गई है जो कि देश की पहली ऐसी कार है जिसे 100% एथेनॉल पे चलाया जा सकेगा। दोस्तों, आपको बता दें, फ्लेक्स फ्यूल एक ईंधन का नाम है जिसे गैसोलीन, मेथेनॉल या एथेनॉल के साथ मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें पेट्रोल की मात्रा काफी कम होती है। इसी की वजह से ये पेट्रोल से काफी सस्ता होता है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको आसान सी भाषा में बता दें कि अभी भी पेट्रोल को बनाने में थोड़ी सी मात्रा में एथेनॉल का भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अभी हाल ही में जो टोयोटा की तरफ से कार लॉन्च की गई है, ये पूरी तरह से एथेनॉल पे चल सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया, पेट्रोल के मुकाबले में एथेनॉल काफी सस्ता है। साथ ही बताया जाता है, पेट्रोल के मुकाबले में एथेनॉल से प्रदूषण भी कम फैलता है। तो इस ईंधन के मद्देनजर जो गाड़ी लॉन्च की गई है, अगर वो पूरी तरह से सक्सेस हो जाती है तो आने वाले दिनों में एक बड़ी क्रांति हो सकती है, यानी कि लोगों को पेट्रोल या कहले पेट्रोल के महंगे दामों से छुटकारा मिल सकता है। देखिए अगली खबर। Redmi राइटिंग पैड भारत में हुआ लॉन्च। केवल 599 रुपए है इसकी कीमत। मिलते हैं इसमें कमाल के फीचर्स। जी हां, Xiaomi ने चुपके से भारतीय बाजार में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है।
आपको बता दें ये प्रोडक्ट किसी के भी बड़े काम का हो सकता है। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने Redmi राइटिंग पैड लॉन्च किया है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें ये Redmi पैड ये किसी दूसरे पैड की तरह कोई Android टैबलेट नहीं है, बल्कि ये एक राइटिंग स्लेट है। हो सकता है आपने बचपन में स्लेट का इस्तेमाल किया होगा जिसपे हम चौक से लिखा करते थे। आप मान लें ये उसी का एडवांस वर्जन है। इस पैड का इस्तेमाल नोट्स बनाने के लिए या जो छोटे बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए कर सकते हैं। वजन में कम होने और पतले डिजाइन की वजह से इसे कहीं भी ले जाना काफी आसान है। बताया गया इस राइटिंग पैड के साथ कंपनी एक प्रेशर सेंसिटिव स्टाइलस भी दे रही है। इस पैड को आप Xiaomi की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि जो mi.com है वहां पे जाकर खरीद सकते हैं। इसकी कीमत 599 रुपए बताई गई है। देखें अगली खबर। क्या आपके पास भी छात्रों को फ्री में लैपटॉप मिलने वाला मैसेज आया है? तो हो जाइए सावधान। सरकारी डिपार्टमेंट PIB ने लोगों को किया है आगाह। जी, आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है। इतनी खबरें या ताज़ा अपडेट हमें मीडिया के माध्यम से नहीं मिलते, जितनी खबरें या कोई अपडेट हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाते हैं। शायद इसी सिलसिले में आपको सोशल मीडिया पर एक मैसेज मिला होगा जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नेशनल लैपटॉप स्कीम 2022 के तहत 11वीं के छात्रों को फ्री में लैपटॉप दिया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मैसेज आया है या कोई मेल आया है तो इस मैसेज को देख के खुश होने से पहले आपको इसकी सच्चाई के बारे में जान लेना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें अक्सर बार ये देखा गया है कि जब भी इस तरह के मैसेज वायरल किए जाते हैं तो इनमें एक वेबसाइट का भी लिंक होता है जिसपे क्लिक करने के लिए कहा जाता है। हालांकि कई बार इस तरह की वेबसाइट पे क्लिक करने की वजह से लोगों का डेटा चोरी हो जाता है। अब हो सकता है आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो सरकारी योजना की जानकारी दी गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री नेशनल लैपटॉप स्कीम 2022। पर दोस्तों, आपको बता दें इस तरह की कोई भी स्कीम सरकार की तरफ से नहीं निकाली गई है। यानी कि इसका बिल्कुल आसान सा ये मतलब हुआ कि सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे इस तरह की जो खबर वायरल हो रही है वो पूरी तरह से झूठी है। और इसके झूठे होने की जानकारी भारतीय सरकार के डिपार्टमेंट PIB की तरफ से भी दी गई है। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें PIB भारत सरकार का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि इसी तरह की झूठी खबरों को चेक करता है और उसके बारे में देश की जनता को आगाह करता रहता है। तो आने वाले दिनों में अगर आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर या मेल के जरिए या SMS के जरिए भी आपके पास ये मैसेज आता है तो आपको सावधान रहना है। और खास करके इस मैसेज में जो लिंक दिया गया है आपको उस पे भूल के भी क्लिक नहीं करना है। कई बार देखा गया है कि इस तरह के लिंक पे क्लिक करने की वजह से लोगों का पर्सनल डाटा चोरी हो जाता है या कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि लोगों के बैंक खाते से भी पैसे निकल जाते हैं। तो सावधान रहिए। देखें अगली खबर। समुद्र से बाहर आकर फंस गई 455 व्हेल मछलियां, पानी में वापस भेजना मुश्किल था तो इसी की वजह से देनी पड़ी इच्छा मृत्यु। जी हां, प्रशांत महासागर में सुदूर पीट द्वीप पर करीब 240 फंसी व्हेल मछलियां अब मर चुकी हैं। अभी हाल ही में इससे कुछ दिन पहले निकट के चैथम द्वीप पर समुद्र के किनारे फंसने के बाद 215 व्हेल की मौत हो गई थी। न्यूजीलैंड के संरक्षण कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। अभी हाल ही में इसी विभाग ने बीते मंगलवार को कहा है कि व्हेल मछलियां दो द्वीपों के किनारे पे फंस गई थी जिन्हें पानी में फिर से नहीं भेजा जा सकता था, लिहाजा इसी की वजह से इन्हें इच्छा मृत्यु देनी पड़ी। दोस्तों, बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिल चुकी हैं। यानी कि बहुत सारी मछलियां अचानक ही समुद्र के किनारे से बाहर आ जाती हैं और जैसा कि हम जानते हैं मछलियां चल नहीं सकती, इसी की वजह से ये दोबारा पानी में नहीं जा सकती। तो जो समुद्र के किनारे ऐसे हैं जहाँ पे इंसानों की आबादी ज्यादा नहीं है, वहाँ पे ज्यादा सुविधाएं नहीं है, अगर वैसे समुद्र के किनारे पे बहुत सारी मछलियां बाहर आ जाती हैं तो उन्हें वापस पानी में भेजना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो अभी हाल ही में इसी तरह की घटना समुद्र के दो किनारों के दो द्वीपों पर देखने को मिली। दोनों द्वीपों को मिलाकर लगभग 455 व्हेल मछलियां बाहर आ गई थी। विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक इन्हें दोबारा पानी में नहीं भेजा जा सकता था। बताया गया इनके दोबारा पानी में भेजने पर जो शार्क है वो इन पे हमला कर सकती थी, साथ ही में अगर ये समुद्र के किनारे पड़ी रहती तब भी इनको मरने तक काफी ज्यादा तकलीफ होती, इसी की वजह से इन्हें इच्छा मृत्यु दे दी गई। हालांकि इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं फिलहाल इसका पता लगाया जा रहा है और शोध चल रहा है। देखिए अगली खबर। भारत में मुस्लिम कंडोम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ओवैसी के इस बयान के पीछे का सच क्या है? इस बारे में नवभारत टाइम्स की तरफ से साझा की गई है जानकारी और बताया गया है क्या सच में मुस्लिमों की प्रजनन दर कम हो गई है। जी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMI के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अभी हाल ही में दावा किया था कि मुस्लिम समुदाय में दो बच्चों के जन्म में अंतराल बनाए रखने के लिए कंडोम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि ओवैसी ने ये दावा किया कि भारत में सबसे ज्यादा मुस्लिम कंडोम का इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में अभी हाल ही में मोहन भागवत की तरफ से मुस्लिमों को लेकर एक बयान दिया गया था, इसी के जवाब में ओवैसी ने ये बयान दिया। तो आइए आपको बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी का ये दावा कहाँ तक सच है। नवभारत टाइम्स की तरफ से जो जानकारी साझा की गई उसके मुताबिक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार जो कि 2019 से 21 के बीच हुआ, इसमें कहा गया है कि भारत में हर 10 में से सिर्फ एक पुरुष ही कंडोम का यूज करता है, वहीं हर 10 में से लगभग 4 महिला
महिलाएं गर्भधारण से बचने के लिए नसबंदी करवाती हैं। इससे ये जाहिर होता है कि महिला नसबंदी अभी भी अपने देश में जारी है। बात की जाए अगर मुस्लिम समुदाय को लेकर तो अभी देश में मुसलमानों की आबादी लगभग 20 करोड़ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में देश में प्रजनन दर में कमी दर्ज की गई है। बताया गया 1992 के बाद से अब तक देखें तो मुसलमानों की प्रजनन दर में सबसे ज्यादा 47% की कमी आई है। इसका सबूत देते हुए बताया गया है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1 के अनुसार जो कि 1992 से 93 के दौरान हुआ था उस समय मुसलमानों की कुल प्रजनन दर 4.4 थी। हालांकि यह अभी 2021 के दौरान घटकर 2.3% पे आ गई है। आसान सी भाषा में कहें तो 1992 के मुकाबले अभी मुसलमानों की जो प्रजनन दर है वो लगभग आधी हो गई है। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो दावा किया वो मिला जुला कर कुछ सच भी है। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम समुदाय के प्रजनन दर में कमी आई है। इसी सर्वे के अनुसार सन 1992 के करीब हिंदू समुदाय की प्रजनन दर 3.3 थी, जो कि अभी हाल ही में बीते साल यानी कि 2021 में 1.94 हो गई। यानी कि हिंदू समुदाय के प्रजनन दर में भी कमी आई है और मुस्लिम समुदाय के भी प्रजनन दर में कमी आई है। जाहिर बात इन आंकड़ों से साफ है कि परिवार नियोजन की तरफ मुस्लिम भी तेजी से मुड़ रहे हैं। देखिए अगली खबर, महाकाल लोक किया गया राष्ट्र को समर्पित। इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि महाकाल बुलाएं और ये बेटा ना आए। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार रात जब उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नए परिसर महालोक का लोकार्पण किया तो चारों ओर जय महाकाल की गूंज सुनाई दी। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रक्षा सूत्र यानी के कलावा से बनाए गए 15 फीट ऊंची शिवलिंग की प्रतिकृति से पीएम मोदी ने रिमोट के जरिए जैसे ही अनावरण किया तो अध्यात्म का ये नया आंगन सभी लोगों के लिए खुल गया। पीएम मोदी ने लोकार्पण करने के बाद सभा को संबोधित किया और भाषण दिया। इसी भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि महाकाल बुलाएं और ये बेटा ना आए। देखें अगली खबर, केरल में डॉक्टर दंपति ने 2 महिलाओं की बलि दी। घर में धन संपत्ति आए इसीलिए गला रेत के मार डाला, फिर बाद में शव के टुकड़े को दफनाया। जी हां, केरल के तिरुवल्ला में अंधविश्वास में फंसे एक डॉक्टर उसकी पत्नी ने 2 महिलाओं की गला रेत की हत्या कर दी है। इसके बाद दोनों शवों के टुकड़े करके उन्हें दफना दिया। आरोपियों को ऐसा भरोसा था कि ऐसा करने से उनके घर में धन ही धन आने लगेगा। बताया गया इस काम में एक तस्कर ने भी उनकी मदद की थी। जानकारी के मुताबिक ये घटना बीते 27 सितंबर की है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को बीते मंगलवार को गिरफ्तार किया। उसके बाद ये खबर आई है, जिन महिलाओं की बलि दी गई, यानी कि जिन महिलाओं की हत्या की गई, उनको फेसबुक के जरिए पैसा का लालच देके बुलाया गया था और बाद में उन्हें बलि के नाम पर गला रेत के मार दिया गया। देखें अगली खबर, रूस देश ने फेसबुक के मेटा को आतंकी संगठनों की लिस्ट में किया शामिल। कहा ये देश के खिलाफ कर रहे हैं प्रचार। जी हां, रूस ने इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेरेंट कंपनी यानी कि मेटा को आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल किया है। रूसी अधिकारियों का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म रूस के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, वो अमेरिका की कंपनी है। और आप जानते ही हैं कि अमेरिका और रूस में 36 का आंकड़ा चल रहा है, जिससे मैं रूस ने यूक्रेन पे हमला करना शुरू किया था तो अमेरिका ने इसका कड़ा विरोध किया था और रूस के कई सामानों और कंपनियों को बैन कर दिया था। इसी के जवाब में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीते मार्च के महीने में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रूस में बैन लगा दिया था। पर अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक रूस ने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा को आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल कर दिया है और आरोप लगाया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर रूस के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। देखें अगली खबर, नीरज पांडे की फिल्म में नजर आएंगे अजय देवगन, निभाएंगे चाणक्य का रोल। 16 जून 2023 में रिलीज होगी ये फिल्म। जी, एक्टर अजय देवगन ने अपनी आने वाली फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है। वो जल्दी एक माइथोलॉजिकल ड्रामा में नजर आने वाले हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है। असल में ये मूवी चाणक्य पे आधारित होगी। देखिए अगली खबर, डबल एक्सल मूवी में नजर आएंगे शिखर धवन। हुमा कुरैशी के साथ रोमांटिक फोटो आई है सामने। जी हां, सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी की फिल्म डबल एक्सल में इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। इस फिल्म में उनका स्पेशल अपीयरेंस होगा। इस फिल्म में हुमा कुरैशी के साथ उनकी एक रोमांटिक फोटो भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ये मूवी आने वाले 4 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी, जिसमें आपको शिखर धवन देखने को मिलेंगे। देखिए अगली खबर, बीते रोज एक बार फिर से मिले 1900 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 5 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज एक बार फिर से 1900 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 27,374 हो गई है। यानी कि पूरे देश में अब इतने ही कोरोना के मरीज बचे हुए हैं। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया, 5 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण बीते 24 घंटे में। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इसी दौरान 2600 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो दोस्तों, आज 12 अक्टूबर 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।